क्या कितनी है, बच्चे कितने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो संख्या के हिसाब से हम लोग उस चीज को मेंशन करते हुए एक ग्रुप बनाएंगे, और बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों को टीम ऐप के माध्यम से अपना क्लास, अपना प्रेजेंटेशन, अपना टीचिंग जो है प्रस्तुत करना है। और जो जो ग्रुप का निर्माण होगा, सभी ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, अलग अलग ग्रुप बनेगा, अलग अलग शेड्यूल तैयार होगा। और जैसे मान लीजिए हिंदी का, उर्दू का, या फिर और भी सब्जेक्ट का यदि ग्रुप तैयार होता है, रोल नंबर वाइज, रोल नंबर अलग अलग भी हो सकता है, हिंदी का कोई और भी देख सकता है, क्योंकि मेथड वाइज यहाँ हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्किल को ऑब्जर्व करना है, हमें सब्जेक्ट के नॉलेज को नहीं देखना है, हमें स्किल को देखना है, हमारे हमारा जो स्किल का जो कंपोनेंट्स है उसका प्रॉपर जो है डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम उन सभी चीजों को देखेंगे। अच्छा, तो मेरे पास नहीं है, नीरज से पूछिए, नीरज के ड्रॉपर में कहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप बन जाने के बाद हम लोग इस चीज को देखेंगे। और ये समस्या है कि टीचिंग की जहां तक बात है, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, हेजिटेशन लगेगा, भयभीत भी आप होंगे, आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन हमको हमारे इस जो इस विकल्प में कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कल से प्रॉपर अपना टीचिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि चैट बॉक्स में आए हुए हैं, जरा सा सौरभ सर आपसे निवेदन है कि आप क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन क्या क्या है। आया है शायद, चुनू लिख रहे हैं सर, तो फिर लेसन प्लान अलग अलग सब्जेक्ट का बना सकते हैं। नहीं, आपको अपने सब्जेक्ट का ही लेसन प्लान बनाना है, आप सभी को अपने सब्जेक्ट का ही लेसन प्लान बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डीएड के बच्चों को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो किसी भी सब्जेक्ट का प्लान बनाएंगे, क्योंकि उन्हें हर सब्जेक्ट का प्लान जो है बना सकता है, वहां पर उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन बीएड वाले बच्चों को अपने मेथड का ही प्लान बनाना है, आपको अपने मेथड का ही प्लान बनाना है, उसको प्रस्तुत करना है। तो इस हिसाब से हम लोग का प्रॉपर जो है क्लासेस स्टार्ट होगा कल से, और कल से हमारा शेड्यूल जो है, हम आपको जैसे या तीन जैसे कि मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए, 3 बजे तक, 3 बजे तक ही आप लोगों को अपना नाम वगैरह दे देना है कल के बारे में। जब आप कल के बारे में दे देंगे, तो उसके बाद हम परसों के बारे में कल पूछेंगे कि परसों कौन कौन देना चाहते हैं। जैसे कल हमारा प्रस्तावना स्किल है, तो मैं आज पूछ रहा हूँ कि कल कौन कौन लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसी तरह से कल पूछूंगा, कल ग्रुप में इस चीज को निर्देश करूंगा कि परसों, जैसे परसों जो हमारा स्किल है वो है एक्सप्लेनेशन स्किल, तो परसों कौन कौन एक्सप्लेनेशन स्किल में अपना प्रेजेंटेशन देना देना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग एक जानकारी ले लेंगे आपके माध्यम से कि कौन कौन लोग अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग आगे अपना प्लानिंग करते चले जाएंगे, जिसको जहाँ टीचिंग करने का अवसर मिलेगा अपने अपने ग्रुप में, तो हम लोग उस ग्रुप के हिसाब से हम लोग अपना टीचिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, और यदि किसी तरह की कोई समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। फिलहाल एक चीज मैं और लोग आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा भी था कि आज या शाम तक, आज शाम तक या कल हमको माइक्रो टीचिंग का कॉपी जो है हमें मिल जाएगा, तो हम इस चीज की जानकारी आप सभी लोगों को दे देंगे कि आप अपना कॉपी ले सकते हैं, कॉलेज आकर के ले सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग अपना प्लान प्रॉपर जो है एक पेज में या अपनी एक कॉपी में बना लीजिए, और टीचिंग करते समय एक याद रखिएगा कि आप ब्लैक बोर्ड के नजदीक हो, आपका ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा दिखे हम लोगों को, ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो है वो होनी चाहिए, डेट वगैरह डाल दीजिएगा, कक्षा डाल दीजिएगा, किस कक्षा में आप करना चाहते हैं, किस कक्षा का प्लान है। यूनिफॉर्म जो है उसको हम लोग मैंडेटरी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग यूनिफॉर्म में देखना चाहेंगे आप सभी लोगों को, फॉर्मल ड्रेस में आप ना टीचिंग करें, यूनिफॉर्म पहने, कॉलेज का जो ड्रेस कोड है उसको लागू करते हुए, उसका पालन करते हुए हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है।
क्योंकि हम अभी हमारा जो अपना प्रेजेंटेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में हो, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है और हम लोग कोशिश भी करेंगे कि हम लोग इस चीज़ का अनुपालन करें क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही अपना टीचिंग प्रस्तुत करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड को आप सही जगह टांग दीजिएगा, अपने साथ डस्टर चौक जरूर रखिएगा या फिर मार्कर जरूर रखिएगा, और जिस स्किल पर में आप अपना टीचिंग करने जाएंगे या जो करेंगे वो जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पर में, ताकि हम लोग उस चीज़ को समझ सके। हालांकि हम लोग ये अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना एक प्रॉपर जो तरीका है ब्लैक बोर्ड राइटिंग का वो करके फिर अपना टीचिंग करेंगे। श्वेता मधुकर हाथ उठा रही हैं, श्वेता आप अपना सवाल करिए। तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा कि जैसे कल का प्लान है, तो आज हम लोग पूछ रहे हैं कि आज कौन कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो हर प्लान को कोई अलग अलग व्यक्ति करेगा या फिर जैसे हर एक प्लान है तो हर स्टूडेंट उस प्लान को कर सकता है? नहीं नहीं मैं सवाल नहीं समझा, फिर से बताइए। सर जैसे कल मुझे प्रस्तावना कौशल पे करना है तो मैं कल करूंगी, हाँ, तो नेक्स्ट डे अगर मुझे करना होगा तो मैं कर सकती हूँ ना, जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट डे जिसको करना होगा तो फिर मैं पूछूंगा। नेक्स्ट डे का मतलब ये कह रहा हूँ, नेक्स्ट डे आपका जैसे एक्सप्लेनेशन स्किल है, तो मैं कल पूछूंगा कि एक्सप्लेनेशन स्किल के लिए कौन कौन से बच्चे कल करेंगे। ऐसा तो मेरा सवाल यही था कि मतलब जो रिपीट, जैसे मैं कल आज प्रस्तावना क्वेश्चन कर रही हूँ तो नेक्स्ट डे फिर मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ एक्सप्लेनेशन स्किल करेंगे, नेक्स्ट डे फिर स्टिमुलस करेंगे, जैसे जैसे हमारा फेज टू का जो शेड्यूल बना हुआ है ना श्वेता, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, सॉरी कहना है, और सर मेरे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ पिछले 8 महीने से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, आप फॉर्मल जो है आप रखिएगा अपना यूनिफॉर्म। ओके सर। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने घर पे नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके सर, चैट बॉक्स में नाम, चैट बॉक्स का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ थोड़ा सा। सर डीएलएड वाले भी नेम देंगे? सर डीएलएड वाले मेथड में क्या देंगे? ये दो आया है नीतू कुमारी का। नीतू आप अपना नाम दीजिए कि हम सर कल प्रस्तावना कौशल में करेंगे, जो भी आपका जो मेथड है, मेथड में आप अपना सब्जेक्ट कोई भी डाल दीजिए, क्योंकि मैंने बताया भी है कि डीएलएड में मेथड का कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है प्लान बनाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है अपना टीचिंग करेंगे। तो आप चाहें तो जैसे एक सेकेंड आप चाहें, कौन बोल रहे हैं जरा बताइए? मैं नीतू ही बोल रही हूँ। नीतू बताइए। हाँ सर, मतलब जैसे मेथड में आपने बोला, तो सर मेथड में तो हम कोई भी टॉपिक लेंगे ना, जैसे जो हमें टीचिंग करना है, तो सर कोई भी टॉपिक उठा लेंगे उसमें मेथड में, कोई वही भी टॉपिक लीजिए। हाँ हाँ कोई भी टॉपिक लीजिए आप, देखिए डीलेड वाले कोई भी बच्चे कोई भी टॉपिक ले सकता है किसी भी सब्जेक्ट का। अच्छा। लेकिन बीएड में जो है बीएड वाले बच्चों को अपना जो टीचिंग मेथड होगा वही लेंगे, समझ गए? और सर सेम प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, थैंक यू सर। सेम प्रॉब्लम, मैं दिल्ली में रहती हूँ और तो यूनिफॉर्म का इशू है सर। तो आप अपना यूनिफॉर्म सिलाई नहीं है, ड्रेस वगैरह नहीं बनवाई थी? नहीं नहीं मेरा तो इसी साल हुआ है, मैं तो 1-2 महीने से। अच्छा ठीक है, तो ठीक है आप फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, आप फॉर्मल ड्रेस में टीचिंग करिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली बताएं, एक और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। सर व्हाइट बोर्ड, संजीत कुमार का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर व्हाइट बोर्ड का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है संजीत जी, व्हाइट बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। आप एक छोटा सा रोलर बोर्ड ले लें, सख्त वाला नहीं जो क्लासरूम में होता है, संजीत जी आप रोलर ले लें, रोलर बोर्ड आता है मिलता है मार्केट में, उसको आप खरीद लें, परचेज कर लें, उस पर अपना टीचिंग कर लें। और वो खरीदने से आपको फायदा क्या होगा संजीत जी, जब आप ड्यूटी में जाइएगा तो आपको वो एक चार्ट पेपर का भी काम करेगा, एक टीएलएम का भी काम करेगा, तो दो फायदे होंगे आप। ओके सर। हेलो सर, ये सबके लिए मैंडेटरी है, ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है। बारी बारी से युगल रजक पूछिए अपना प्रश्न। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम, प्रणाम।
आवाज आ रही है सर? क्वेश्चन पूछिए, आ रही है आवाज। सर ये जो ब्लैक बोर्ड वगैरह रहेगा सर, तो ब्लैक बोर्ड वगैरह दिखेगा कैसे सर? मोबाइल से दिख जाएगा सर? अच्छे बिल्कुल दिखेगा, आप प्रयास करिए। ऐसा तो काफी हम सेट वगैरह वैसा तो किए नहीं सर, किस तरह दिखेगा नहीं दिखेगा? इसीलिए करना होगा, सब दिखेगा। हम लोग किए हैं तो दिखता था ना, मुर्दा मैडम किए हैं तो दिखता था ना, ऐसा नहीं है, सब दिखेगा। आपको नजदीक वाला रखना पड़ेगा अपना मोबाइल, सब दिखेगा। अच्छा मोबाइल नजदीक रखेंगे तो दिखेगा सर उसमें? 100% 100%, क्योंकि सर इसमें दिक्कत बहुत आने वाली है हमको तो लग रहा है, क्योंकि कभी अब दिक्कत आएगी तो फिर क्या करें, बंद कर दें, नहीं करें? हमारा विचार था सर स्कूल खुलता है तो करवाते हैं सर, वो बेटर रहता। इसीलिए कह रहा है ना कि स्कूल खुला तो नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं, इसीलिए कोई विकल्प नहीं है। हम लोग डिले होंगे तो आपका सेशन लेट होगा तो इस सबसे बड़ा हानि आप ही लोगों को होने वाली है। इसीलिए हम लोग उस चीज को नहीं डिले करना चाहते हैं। ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, आप भी टीचिंग करिएगा, दिक्कत क्या है इसमें? देखते हैं सर कल क्या फिर बोर्ड में आते हैं, बोर्ड दिखता वगैरह है कि नहीं, तब दिखेगा, सब दिखेगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन टीचिंग में हर चीज हो रहा है, आप लगता है कि इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। आज जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं स्कूल के, आप थोड़ा पता करिए, जानकारी लीजिए कि कैसे क्लासेस हो रहे हैं। वहाँ ब्लैक बोर्ड भी यूज हो रहा है, TLM भी यूज हो रहा है, हर चीजें यूज हो रही है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप डरिएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप हौसला बनाइए, आप एक्टिव रहिए और प्रोसेस में लग जाइए टीचिंग के लिए। हमारा मेथड अगर हिंदी में होगा सर, अब ये बताने की जरूरत है, मैंने कई बार कहा कि बीएड वाले बच्चे का जो मेथड है वही होगा। हम लोग को मालूम है सर, लेकिन 9-10 का ही उठाना जरूरी है कि सर हम कुछ भी हिंदी से ले सकते हैं? आप 6-12 का उठाइए कोई भी चैप्टर हिंदी का, 6-12। अच्छा ठीक है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए सर। मुझे पूछना है इंट्रोडक्शन स्किल के लिए भी व्हाइट बोर्ड जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर में लिखना होगा डेट, विषय, सब्जेक्ट का नाम, जो स्किल है वो स्किल का नाम लिखेंगे, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन स्किल में जैसे ही आप स्टेटमेंट ऑफ एम्स पे आते हैं तो बच्चों आज हम लोग इस पार्ट का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर मैं आपको मेंशन करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पर में लिखना पड़ता है। तो सर हम लोग पहले से लिख कर रख सकते हैं क्या? नहीं, उसी समय लिखना आप कम से कम आप सब्जेक्ट लिख दें, लेकिन प्रकरण का नाम ना लिखें। डेट सब्जेक्ट लिख सकते हैं? हाँ, डेट लिख सकती हैं, किस क्लास का है वो आप लिख सकती हैं। यस सर। किस क्लास का है वो आप लिख सकती हैं, सब्जेक्ट मेंशन कर सकती हैं, टॉपिक छोड़ दीजिएगा, टॉपिक और सब टॉपिक छोड़ दीजिएगा, बाकी जो है टाइम डाल दीजिएगा। राइट, टाइम का नाम, टाइम 3 मिनट तो पहले रो करके नहीं रख सकते हैं? टाइम डाल दीजिएगा 6 मिनट और स्किल का नाम जरूर लिखिएगा। यस सर। सर शेयर करके नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? शेयर करके नहीं होगा। सवाल बहुत अच्छा है कि सर शेयर करके नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं शेयर का ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको टीचिंग करना है, आपको रियल टीचिंग दिखानी है। यस सर, थैंक यू। शेयर नहीं, आप मान लीजिए स्क्रीन शेयर करेंगे तो केवल स्क्रीन दिखेगा, मुझे मोनी तो दिखेगी नहीं, उसका कम्युनिकेशन, उसका एक्सेल, उसका पोस्चर, उसका हाव भाव, उसकी एक्टिविटी, उसका मूवमेंट, वो सब तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए प्रॉपर ब्लैक बोर्ड के नजदीक आपको खड़े होकर के आपको अपना टीचिंग करना। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये ड्रेस का इशू मेरे साथ भी है, क्योंकि हम भी मतलब पारसनाथ में रहते हैं और यहाँ से मतलब किस तरह क्लास क्या करना होगा थोड़ा सा बता देते। ओके, आप फॉर्मल ड्रेस में रहिएगा, फॉर्मल ड्रेस में रहिएगा, है ना सब? लेकिन सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, जिसके घर में ड्रेस है ऑलरेडी वो निश्चित रूप से अपना ड्रेस कोड में यूनिफॉर्म पहन करके उपस्थित होंगे तो ये अच्छा लगेगा।
कोई इशू नहीं है सर। जब हम पढ़ाएंगे तो फिर हम उन लोगों को देख सकेंगे या जिन लोग पढ़ा रहे हैं या फिर केवल उन लोग हम लोगों को देखेंगे? जैसे सीएन झा पढ़ा रहा है और हमारे ग्रुप में 10 लोग जुड़े हुए हैं, मान के चलिए ठीक है, हमारा 10 का ग्रुप है, उस 10 में से मान लीजिए 7 आदमी जुड़े हुए हैं, सीएन झा उन 7 लोगों से या 6 लोगों से हम सवाल करेंगे, 6 लोगों से हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमने आपको इसलिए बताया ग्रुप बना करके हमको डालने वाले हैं आपके ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं। सर जब आपको ये पता रहेगा कि हमारे ग्रुप में ये लोग हैं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कि संजीत बताइए फलाना चीज का मीनिंग क्या होता है, तो संजीत अपना अपना माइक को अनम्यूट कर देंगे, वो अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। सर क्लियर हुआ संजीत? हाँ सर, जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं उसी तरह हमको भी पढ़ाना कर, उसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अभी कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं मुझे पता है कि अभी चूंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन जो है हमसे किसी से पूछना होता है तो हम कैसे उसको अनम्यूट कर देते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं सर, है ना? तो आपको ऑलरेडी पता होगा, होना चाहिए और होगा भी कि हमारे ग्रुप में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और हमको किस किस से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? आप नाम लेकर के क्वेश्चन करिएगा, वो अनम्यूट हो जाएगा और फिर वो आपको जवाब देगा। ओके सर, ठीक है संजीत? यस सर, हो गया सर। ओके अगला क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी बताइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि मतलब कल क्लास होगा तो मतलब बोर्ड नहीं रहेगा तो मतलब कि जैसे जो भी सर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे बोल नहीं सकते कि कैसे टीचिंग करना है कि नहीं करना है? नहीं नहीं नहीं, हम आपको बोर्ड के पास देखना चाहते हैं। यस। एक क्वेश्चन सिंपी सिन्हा का चैट बॉक्स में आया है, सर मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। सिंपी आप प्रयास करिए, आप पहले तो रोलर ब्लैक बोर्ड कहीं से खरीदिए, आपको मिल जाएगा मार्केट में, ये चीज छुपा हुआ नहीं है, अवश्य मिल जाएगा। और उस चीज को आप कहीं सही जगह टांगिएगा या कहीं यदि जहाँ थोड़ा सा नेटवर्क मिलता है वहां पर मैं आप इसको मेंशन करते हुए थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि कठिनाई तो होगी हम जान रहे हैं, थोड़ा प्रयास करिए। सर एक क्वेश्चन और। बोलिए बोलिए सर। अगर मतलब कि बीएड का मतलब हम लोग तो बीएड का स्टूडेंट है तो बीएड का स्टूडेंट है जितना मतलब कि टीचिंग प्लान पढ़ाया उसी से एक टॉपिक लेना है, जैसे स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक, ये सब भी एक ही टॉपिक लेके पढ़ाएंगे सर? नहीं नहीं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अपने मेथड से कोई भी टॉपिक ले लीजिए, किसी भी प्लान का कोई भी टॉपिक बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना मेथड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा मेथड हिंदी है तो हम हिंदी व्याकरण ले लिए, कभी कभी हिंदी गद्य ले लिए, कभी हिंदी पद्य ले लिए, समझ गए ना? तो इसमें कहीं कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस सर। हाँ सिमनी का सवाल, सिमनी आप पूछ लीजिए। प्रणाम सर। सर जैसे मैं बोल रही क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी स्टूडेंट से तो वो मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड पे, लिखना पड़ेगा? ये किस स्किल में आप बता रही हैं? हिंदी में? नहीं नहीं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप उसके लिए फ्री है, आपको जैसा करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन का आंसर यदि कोई देता है सही, हाँ हाँ आप लिख सकती हैं, नो प्रॉब्लम, लिख सकती हैं। उसमें टाइम तो 6 मिनट ही रहेगा तो उसमें तो थोड़ा लिखने में टाइम जाएगा सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होगा उसके लिए 6 मिनट आप देखिएगा, आपको लगेगा कि ये ज्यादा हो रहा है आप देखिएगा ये 6 मिनट भी आप लोगों को ज्यादा पढ़ने वाला है, आपके क्वेश्चन 3 या 4 मिनट के अंदर ही खत्म, टीचिंग खत्म हो जाएगी। ओके सर। इसीलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आराम से आप चलिएगा। 5 क्वेश्चन अधिकतम 5 क्वेश्चन पूछना है, कोई हो सकता है किसी का 3 ही क्वेश्चन होगा, किसी का 4 होगा या किसी का 5 होगा, हम यदि 5ों में से एक क्वेश्चन पर यदि एक एक मिनट भी दे देते हैं तब भी हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है। ओके सर। समझ गया ना? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, जैसे मैंने पूछा किसी स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो 10 रिप्लाई आने में भी तो टाइम जाएगा या फिर नेटवर्क के इशू रहेगा, उस टाइम क्या करेंगे?
अब कल भूकंप आ जाएगा तो अभी उसकी घोषणा हम थोड़ी कर देंगे, कल होने दीजिए ना, कल क्या होगा कल की बात कल करेंगे, कल की सब भविष्यवाणी आज हम कैसे कर दें okay, कल sir. क्या होगा sir, एक मिनट, सब अच्छा होगा नहीं सर, मतलब मेरे सब अच्छा होगा, कनेक्ट हो जाता है क्लास लेते हम लोग रहेंगे उसमें, जुड़े रहेंगे हम लोग, okay, आपकी सहायता करेंगे, मदद स्टैंडिंग हो गया। हाँ जी बोलिए। ओके सर, सर एक और कि बोर्ड तो ले आए, मैं मार्कर भी ले आए, लेकिन परमानेंट मार्कर ले आए तो बोर्ड में हम लिख के देख रहे तो देखते मिटाता है ही नहीं, तो अभी तो आज मंगल है तो मार्कर तो आज मिलेगा नहीं तो कल तक अवेलेबल होगा तभी हम बोर्ड पर लिख व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, मार्कर देखिए। यस सर, उसको उसका दूसरा भाग पलट देना तो ठीक हो जाएगा, दूसरे भाग में भी लिख दिए क्या? नहीं दूसरा नहीं, एक वर्ड सिर्फ लिखे थे, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं मार्कर का प्रॉब्लम है, जैसे दूसरा आ गया तो उसको लाने के नहीं, लिए नहीं, मेरी बात समझिए, हम ये कह रहे हैं कि परमानेंट मार्कर यदि आपने ले आया है आप उससे मिटा नहीं पा रही हैं, आपको जनरल मार्कर चाहिए, यही बोल रही है ना? यस सर। तो आपको आपको नहीं मिल पाएगा कहीं मार्केट में आज? आज मंगलवार है सर तो अवेलेबल देखना पड़ेगा, कोई खुला हुआ रहेगा, मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए। ट्राई कर लीजिए, आपको मिल जाना चाहिए, ट्राई कर लीजिए एक बार। तो कल तो 12 बजे से होगा ना सर? हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पहले ही, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कितने बच्चे हैं कल परसों, मतलब कल कितने लोग अपना टीचिंग करने वाले हैं, उसी हिसाब से हम शेड्यूल बनाएंगे समय के हिसाब से। okay. आप ले लीजिए, आज नहीं मिलेगा तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, 8-9 बजे तक तो दुकान खुल ही जाता है, मॉर्निंग में ले लीजिएगा, और फिर जब टीचिंग होगा थोड़ा सा लेट से ही टीचिंग करिएगा आप, जुड़ करके अपना, है ना? चलिए सर एक बात, जैसे कि कल आप स्टार्ट करेंगे हम लोग का रहेगा पढ़ाने का, तो एक स्टूडेंट का ही होगा कि एक दो का हो जाएगा? क्या मतलब एक दिन में कितना स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं? ये डिपेंड, इसीलिए तो मैंने कहा ये डिपेंड करता है अभी कि हमारे पास संख्या कितनी आती है, कल कितने बच्चे 3 बजे तक जो है, आज मैंने मांगा है कि कौन कौन से बच्चे कल अपना टीचिंग करेंगे, तो संख्या जब हमारे पास आ जाएगी तो हम उस हिसाब से एक अनुमान लगा पाएंगे कि कितने बजे तक चलेगा क्लास। ओके सर, मतलब सभी जितना बच्चा बोलेंगे उनका मतलब एक दिन में ही हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन? एकदम एकदम, कल इंट्रोडक्शन है तो कल इंट्रोडक्शन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, परसों इंट्रोडक्शन नहीं होगा, फिर परसों होगा एक्सप्लेनेशन स्किल, फिर उसके बाद तरसों स्टिमुलस वेरिएशन, इस तरह से जो हमारा शेड्यूल है फेज वाइज वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम चाहते हैं कि सौरभ सर भी क्वेश्चन का जवाब दें, अब सौरभ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ सर आप भी जवाब दें, बताइए क्वेश्चन पूछिए जी सौरभ सर से। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून रितांजलि, बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। गुड आफ्टरनून रितांजलि, बताइए। हेलो आवाज आ रही है सर? हेलो आवाज आ रही है आपकी? या सर एक्चुअली पूछना था कल जो आपकी आवाज आ रही है सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कल जो हम लोगों का लाइव प्रेजेंटेशन होगा लेसन प्लान में, तो जो भी हमारे ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनसे क्वेश्चन राइज करने के पहले उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा या फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन राइज करना स्टार्ट कर देंगे? आपका जो भी स्किल्स होगा, जिस स्किल्स पे आप बताना चाह रहे हैं उसको जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे मान के चलिए आप इंट्रोडक्शन स्किल्स पे काम कर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस आ रही है आपकी आवाज। आपको मान के चलिए इंट्रोडक्शन स्किल्स पे काम करना है, तो इंट्रोडक्शन स्किल की आपने अपना बोर्ड टांग रखा है और जैसे ही आपने स्टार्ट किया है आप अपना क्वेश्चन पूछने लगेंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से सब आपको देख रहे हैं, और आपका जो भी जिस तरह का रहेगा वो आपका प्रेजेंटेशन हम लोग देखते रहेंगे, और क्वेश्चनिंग होगी या जो भी फीडबैक होगा वो हम आपको देंगे, आपको पहले से एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना उसमें। ओके ओके सर, थैंक यू। हर हेलो सर, बर्थडे आप एक एक करके एक एक दिन पता लग जाएगा, पहले से आपको कुछ नहीं बताना उसमें। हेलो हेलो सर, यस बताइए। हाँ सर, हमने जैसा स्किल बना के, मैं नीतू बोल रही हूँ, मैंने आपको भेजा है सर,
सर उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना है ना बोर्ड पे। हेलो हेलो, क्या होता है कि जो आप यस आपकी आवाज आ रही है नीतू मुझे? जी सर। नीतू आपकी आवाज आ रही है? हेलो हाँ बोलिए सर। नीतू ये मान के चलिए जो लेसन प्लान होता है प्री प्लान होता है, ना कि स्क्रिप्ट होती है। आपने जो लेसन प्लान बनाया एक फॉर्मेट है, उस तरह के आप क्वेश्चन पूछेंगे या प्रेजेंटेशन देंगे। आप जो भी आपने बनाया है उसी को ही आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से आप उसको बताते हैं और सामने अपनी बात रखते हैं। अब वहाँ पे आप व्याख्यान दूसरी तरह से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो लिखा है। हेलो आप बोलिए। हाँ मतलब सर जैसा हमने लिखा है, बिकॉज हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। हेलो हेलो बिल्कुल बिल्कुल, तो सर वैसे समय का ध्यान रखना है। हाँ वह उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना है। आपको समय का ध्यान रखना है। जी 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 बिल्कुल, हाँ समय का आपको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे जो समय होता है 6 मिनट का ही होता है। जी, और सर सेकंड थिंग कि सर डेली हमें अलग अलग स्किल पे अपना प्रेजेंटेशन देना है क्या सर? जैसे अभी तक हमने जितना भी स्किल, बिल्कुल आपको जितनी भी स्किल्स बताई गई हैं अभी तक, या फिर सर ने जैसा बताया है कि हमें 6 स्किल्स पे हमें तैयार करना है। हेलो जी, तो सर डेली डेली मतलब जितनी आपको स्किल्स बताई गई हैं उन स्किल्स पे आपको प्लान बनाना है, उसका प्रेजेंटेशन करना है। अच्छा, और बाकी जो स्किल्स है उस पे नहीं? जो भी स्किल्स आपको बताई गई हैं प्रेजेंटेशन के लिए उन्हीं को ही प्रेजेंट करना है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं नीतू बोल रही है ना? नीतू देखो समझो इस बात को, 6 स्किल पर तुमको प्रेजेंटेशन देना है। ओनली 6 स्किल, ओनली 6 स्किल। ओके, मतलब जितना बनाना है उतना पे ही हमें प्रेजेंटेशन देना है। बिल्कुल, केवल 6 स्किल ऑलरेडी फेज 2 में मेंशन किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लो। 6 स्किल में 7 तारीख में इंट्रोडक्शन स्किल, 8 तारीख में एक्सप्लेनेशन स्किल, 9 तारीख में स्टिमुलस वेरिएशन, 10 तारीख में यूजिंग ब्लैक बोर्ड, 12 तारीख में प्रोबिंग क्वेश्चन और 13 तारीख में रीइन्फोर्समेंट स्किल। यही 6 स्किल पर में आधारित आपको प्लान बना करके अपनी टीचिंग करनी है। ओके सर, और सेकंड थिंग सर, हमने जो प्लान बनाया है वो तो रफली हमने जस्ट एक कॉपी में अपना बना लिया है, लेकिन इस चीज को तो हमें कॉलेज में भी सबमिट करना है ना? बिल्कुल, तो कॉलेज से मैंने बताया कि कॉलेज से आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जब आप कभी आएंगे आपको कॉपी मिल जाएगी, आप उसमें फेयर कर लेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे। सर ये जो काम है सर कब करना है, जो फेयर करके सबमिट करने वाला, ये आपको अभी बताया जाएगा। समय थोड़ा सा लीजिए, इसके लिए अभी बताएंगे हम बाद में। अभी 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 इस संदर्भ में अभी हम कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारे पास कॉपी पहले आ जाए, हम पहले कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर उसके बाद हम लोग टाइम एक निकालेंगे जिसमें आपको अपना ये मेल सबमिट करना होगा कॉपी। ओके सर, इको वॉइस आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपका आवाज डबलिंग आ रहा है। अब नहीं आ रहा होगा, अब देख लीजिए। आप कोई दूसरा सवाल रेडमी करके कोई क्वेश्चन हाथ उठाए हुए हैं आप? हेलो, हाँ क्वेश्चन करिए सर। इंट्रोडक्शन स्किल पे जो हम लोग को करना है, अगर उसमें हम लोग को कोई चैप्टर पढ़ाना है, मतलब 8 क्लास जिस क्लास का लेना है, मतलब समझ में सर, जैसे कि मेरा ज्योग्राफी है। हेलो हाँ बोलते जाइए पहले बोल सर। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी है, उसका एक चैप्टर है भूकंप ज्वालामुखी, तो ये चैप्टर लेना है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन का क्लास लेना है, कि जिस तरह का हम लोग प्लानिंग बनाए थे इंट्रोडक्शन प्लानिंग का, उसके हिसाब से। एक बात समझ लीजिए, आपको स्किल का कंपोनेंट्स आपको देखना है। आप चैप्टर कोई भी लीजिए, टॉपिक कोई भी लीजिए, प्रकरण कोई भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो भी टॉपिक डिलीवर करिएगा, जिस विषय पर में आप टीचिंग करिएगा, वो टीचिंग आपके अकॉर्डिंग टू स्किल पर में आधारित होना चाहिए।
जैसे इंट्रोडक्शन स्किल है, तो इंट्रोडक्शन स्किल का मूल भाव क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस सर। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको वहां क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन का किस प्रकार का क्रम होगा, ये सभी आप लोगों को बताया जा चुका है, जिस पर मैं आप लोगों को अपनी तैयारी करके प्लान बनानी। क्लियर हुआ? अनीता बोल रही थी ना, आवाज से हमें लगा। यस सर। यस सर। क्लास तुम नहीं की हो अनीता, तुमने फांकी मारा है सर, एक क्लास नहीं की है केवल। हाँ तो वही कह रहा ना, क्लास तुमने नहीं किया है, एक क्लास मेरे पास सबका चिट्ठा है, सबका कुंडली मेरे पास है कि कौन क्लास किया है, कितने देर किया है, कितने मिनट किया है, सब पता है हमें। सर मैंने कल किया था बट अटेंडेंस में नहीं लगा पाई थी। क्यों नहीं लगा पाई, लगाना चाहिए था ना। हाँ सर हम भी किए लेकिन हम भी नहीं कर, मतलब पूरा क्लास नहीं सर, इसीलिए कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप तो क्लास कर चुके हैं ना सर। मैंने बताया था कि आपको हमेशा एक्टिव रहना है, वो अटेंडेंस लिंक 3 बजे के बाद नहीं खुलता है, 3 बजे के बाद बंद हो जाता है। और आप जो भी कल जुड़े थे, जितने बजे जुड़े होंगे, हमने प्रारंभ में ही अटेंडेंस लिंक को भेजा था, क्योंकि ऑलरेडी कल क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 2:40 या 2:45 के आसपास हमने लिंक भेजा, 2:40 या 2:45 के आसपास लिंक भेजा, यहाँ सोच करके क्योंकि 3 बजे के बाद ये लिंक बंद हो जाएगा, इसलिए हमने पहले भेजा। अक्सर ऐसा होता था जब क्लास एंड होने होता था तब मैं लिंक भेजता था, लेकिन कल हमें पहले ही भेजना पड़ा क्योंकि कल 3 बजे के पहले हमको 15 या 20 मिनट ही समय बचा हुआ था। तो उस समय जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग अपना बनाए, जो लोग बाद में जुड़े, 10 मिनट बाद जुड़े, 20 मिनट बाद जुड़े या 1 घंटे बाद जुड़े, लोग नहीं बना पाए। मैं सर मैं शुरू से लेके लास्ट तक जुड़ी थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया वो आप लोग मतलब। अब इसमें अब बताओ इसमें किसकी गलती, और मैंने बाद में देखा कि आपका मैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट सर, क्लास तो की है ना सर, अटेंडेंस नहीं बनाया, उससे भी कोई प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। तो हम क्लास मतलब कर लिए थे ना, जो आपका था वो सुन ली। बहुत प्रॉब्लम है, अटेंडेंस बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपके अटेंडेंस को काउंट भी कर रहे हैं, माइक्रो टीचिंग का जो प्लान है हमारा उसको हम काउंट भी कर रहे हैं, कितने लोग। अच्छा एक दिन का अटेंडेंस छूट गया तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा आपके ऊपर, इस चीज की भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पहाड़ बहुत बड़ा ज्वालामुखी नहीं फूटने वाला है आप लोगों के ऊपर। बस आपको 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 एक्टिव रहना चाहिए था, आप एक्टिव नहीं थी इसलिए छुप गई, आपको एक्टिव रहना चाहिए था, इस बात का ध्यान रखिए। आप जो है हमेशा उस लिंक को ऑब्जर्व करते रहिए कि हम कब लिंक दे रहे हैं, कब शेयर कर रहे हैं, हम जब भी लिखते हैं चैट बॉक्स में डालते हैं तो मेंशन करते हैं कि ये अटेंडेंस लिख है, भर लीजिए सर। शुरू में मैंने सहूलियत के लिए, आसान के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2-3 दिन भेजा ये करने के लिए कि भाई आप लोग थोड़ा सा एक्टिव मोड में हो जाइए। और जैसा कि पहले ही दिन मैंने बताया था कि हम 2-3 दिन ही व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और उसके बाद हम ग्रुप में नहीं भेजेंगे, केवल चैट बॉक्स में भेजेंगे जहां हमारा जिस प्लेटफॉर्म पर में क्लास चल रहा है। तो इस चीज को बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया जिसका कारण ये हुआ कि वो लोग सोचते रह गए कि भाई हम क्लास नहीं भी करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ ही जाएगा, हम अटेंडेंस बना लेंगे। तो ये सब नहीं होगा क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि कौन आदमी कब जुड़ रहा है, कितने बजे जुड़ रहा है, कब हट रहा है, कितने बजे हट रहा है, एक एक चीज, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का मेरे पास हिसाब है। इसीलिए कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, लेकिन हाँ आपने अटेंडेंस नहीं किया ये आपकी चूक है, इस चीज को आप समझिए। हम अब अटेंडेंस पर कोई विषय बात नहीं करेंगे, हम अगला बात करेंगे डिस्कशन के ऊपर में, क्योंकि हमारा डिस्कशन है आज, डिस्कशन में हम लोग बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, पूछिए पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, कंटिन्यू। तो मैं पूछ रही थी ना कि वो मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो अपना हम टॉपिक सब टॉपिक जो भी स्किल वगैरह दिखाने के बाद जब हमको आंसर लिखना हो तो क्या हम उसको ऊपर वाला मिटा सकते हैं? छोटा मतलब कितना छोटा? मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन उसका साइज, एक मिनट अमरिंदर, साइज कितना है बोर्ड का? नहीं छोटा
सर वो हम फोटो सेंड कर देंगे लेकिन छोटा है, जब हम आंसर लिखेंगे तो जगह कम पड़ेगा। जगह कम पड़ेगा तो आपको थोड़ा बड़ा लेना चाहिए था, छोटे वाले में कैसे होगा, तब आपका टाइम ज्यादा जाएगा। मतलब हम उसको मिटा सकते कि नहीं, ऊपर जो हम लिखे अपना नाम और टॉपिक और स्किल वगैरह उसको हटा सकते कि नहीं, बस हमको ये जानना था आंसर। नहीं, उसको रहने दीजिए। तो अगर हम आंसर लिख लिए तो हम उस आंसर को मिटा करके फिर दूसरा आंसर लिख सकते हैं ना, आंसर तो मिटा सकते हैं। ये आप कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसको ना मिटने दीजिए, जैसे स्किल का नाम है, क्लास है, डेट है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ये सब चीज रहना चाहिए। बाकी आप ब्लैक बोर्ड पर में काम करिए, मिटाइए, जो तरीका है उसको फॉलो करते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन किससे है, हम ऑप्शन दे देते हैं। क्वेश्चन हमसे है, क्वेश्चन हमसे है या सौरभ सर से? सर आपसे है। आप बोलिए बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास व्हाइट बोर्ड यहाँ पर, मैं मार्केट गई थी तो मिला नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो डेट अच्छा। तो कल का दिखा रहा है बट आई होप कल तक आ जाए। अगर कल नहीं आ पाया तो मैं कल बिना बोर्ड के शो कर सकती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं बोर्ड के साथ करूंगी। आई होप कि कल आ जाना चाहिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कल आ जाना चाहिए। यस सर। ओके सर, अगर नहीं आया तो बाई चांस फिर देखेंगे, अभी हम कह नहीं सकते, फिर देखेंगे जैसा जो होगा हम बताएंगे। एक बार हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे गाइडलाइन। ओके सर, ओके सर जी। प्रणाम सर। श्रेना का भी आवाज आ रहा है, श्रेना आप पूछिए क्वेश्चन। विवेक जी आपको रोक रहे हैं, इसके बाद ले लेते। श्रेना आप सवाल करिए। गुड मॉर्निंग, बोलिए सवाल करें। सर जैसे कल इंट्रोडक्शन स्किल होगा तो हम लोग को ब्लैक व्हाइट रोलर बोर्ड पे कंपलसरी है हमको शो करना 100%। तो सर जो हम लोग लेसन प्लान बनाए हैं तो उसको भी शो करना, या फिर हम लोग जो बोर्ड पे उसी पे हम लोग दिखा के जो भी हमको क्वेश्चन पूछना है या फिर इमेज बनाना, जो भी बनाना हम लोग बोर्ड पे ही करें, या फिर जो हम लोग प्लान बनाए उसको दिखा के करें? नहीं, हमें आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें आपको केवल आपके स्किल को देखने की जरूरत है, आप अपना टीचिंग करेंगे उसको देखने की जरूरत है। श्रेना समझ गया ना, हमको प्लान देखने से कोई मतलब नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स आप टीचिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये मुझे देखना है, और उसके हिसाब से मुझे सुपरवाइज करते हुए आपको फीडबैक देना। हाँ विवेक जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। विवेक सर मेरा कहना ये था, जैसे कल बोले कि इंट्रोडक्शन स्किल पे क्लास होगा, तो जो कल उसका क्लास नहीं देगा वो फिर कब देगा सर? नहीं देगा, वो नहीं दे पाएगा फिर दूसरा, क्योंकि हमारा फेस वाइज जो अगला शेड्यूल है। नहीं सर वही पूछना था, जो छूट गया तो फिर छूट गया, फिर नहीं दे पाएगा। जी सर। और सर जैसे इसमें 6 स्किल है तो 6 पे ही देना कंपलसरी या फिर कम भी दे सकता है? नहीं, 6 स्किल पर में देना कंपलसरी है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 10 से 12 स्किल के ऊपर में क्लास लिया है। हमने जैसा कि बताया था कि सब स्किल पर में टीचिंग पॉसिबल नहीं है, हमारे पास उतना समय भी नहीं है, और दूसरा चीज ये है कि हम लोग उतने सारे स्किल्स के ऊपर में प्लान जो है नहीं बनाते हैं और ना ही टीचिंग करवाते हैं, क्योंकि जो मैंडेटरी है, जो नेसेसरी है क्लासरूम के लिए, उसमें ये 6 स्किल हमको, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और ये 6 स्किल नॉमिनल 6 स्किल जो है हम लोग करते हैं ताकि सब चीज इसमें आ जाए। इन 6 स्किलों पर मैंडेटरी सबको करना है, और इस पर प्लान भी बनानी है, हमारा माइक्रो टीचिंग प्लान में इसको मेंशन भी करना है। आपको यहाँ हम बता दें विवेक जी, एक स्किल और मैंडेटरी था, 7 स्किल हम लोग कराते थे, 7वां स्किल हमारा यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स था, लेकिन चूंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है वो ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा मुश्किल है आपको बताना, दिखाना, समझाना, वो ऑफलाइन मोड में ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। बाकी 6 स्किल को हम लोगों ने रखा, जिसमें ब्लैक बोर्ड को हमने शामिल कर लिया है। ब्लैक बोर्ड सुनिए ना सर। हेलो हाँ जी हेलो, कह रहे थे सर वो जो 6 स्किल है ना सर, 6 स्किल का शेड्यूल थोड़ा भेज दिए ना सर, कौन कौन स्किल भेजा हुआ है, ऑलरेडी ग्रुप में है।
बीएड ग्रुप में है सर, ऑलरेडी ग्रुप में घूम रहा है, देख लीजिए आप हिंदी ग्रुप में भेज दीजिए, होंगे तो होगा ही सर। हम लोगों को जो हिंदी ग्रुप है, आप बीएड ग्रुप एक बार देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक ठीक। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, क्या हुआ क्या हुआ युगल? यही प्रश्न था बोला सर, एक्टिव रहिए युगल। युगल आप एक्टिव मोड में नहीं है, आप पैसिव मोड में चले गए। पता ही नहीं है कि शेड्यूल कब क्या है नहीं है। नेक्स्ट सर, प्लीज आर्टिकल लिखने में। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। पहले हम किसका सवाल ले लें? सुनील जी आपका सवाल ले लेते हैं, सुनील कुमार जी सर। सबका सवाल लेंगे, धैर्य रखिएगा, हम आज सबके सवाल का उत्तर देंगे, सबके सवालों का उत्तर देंगे। सुनील आपका सवाल करें। जी सर, जैसे सर हम लोग बना के भेजे थे सर ग्रुप में, ये वाला इंट्रोडक्शन वाला जितने भी भेजे हैं सर, हाँ सर, वो हम लोग कहाँ पे मतलब पढ़ा सकते हैं सर? जैसे हम लोग माइक्रो प्लान में पढ़ाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? यदि हमारे सर ने उसको ओके कर दिया है और आपने सर से फीडबैक ले लिया है, तो निश्चित रूप से उसको पढ़ाइएगा, क्यों नहीं पढ़ाइएगा? बिल्कुल, हमारा मकसद भी तो वही है। आपको पहले प्लान बनाना था, फिर दिखाना था, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ हमारे सर ने हमारा प्लान को ओके कर दिया, फिर देन आप टीचिंग करिए, नो प्रॉब्लम। सतीश जी आप सवाल करें। सर एक क्वेश्चन और सर, जैसे कि हाँ हाँ बताइए सुनील। सुनील दूसरा सवाल क्या है सर? इसमें हम लोग सर, जैसे कि हम लोग सर इसमें कॉलम बना हुआ है ना सर, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी और पीपल्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क सर। ठीक है सर, इसमें हम लोग ये जैसे कि टीचर एक्टिविटी में हम लोग क्वेश्चन या लिखना पड़ेगा, सिर्फ अपने से बोलेंगे सर, ब्लैक बोर्ड में और करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पीपल्स एक्टिविटी जो है जी सर, वो आप ओरली पूछेंगे, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए ना? हाँ, आंसर जब आएगा ब्लैक बोर्ड में अगर जैसे सुनील आपने क्वेश्चन अराइज किया, आंसर यदि आया तो आप उस आंसर को यदि चाहें तो ब्लैक बोर्ड पर में लिख सकते हैं, ना चाहें तो आप उसको आगे भी बढ़ सकते हैं जी सर। क्योंकि आप यदि प्लान में ब्लैक बोर्ड पर लिखे होंगे, दिखाएंगे कि हमने क्वेश्चन के आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है, तो निश्चित रूप से ब्लैक बोर्ड पर भी लिखिएगा जी। यूं समझ लीजिए जो प्लान कहेगा हमको प्लान के अनुसार अपने टीचिंग को करना है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका प्लान अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट होना चाहिए। जो भी कंपोनेंट आप फिल नहीं करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से फीडबैक देंगे कि आपने इस स्किल में ये कंपोनेंट्स को फॉलो नहीं किया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बार बार सभी स्टूडेंट अपने स्किल यानी कल इंट्रोडक्शन स्किल है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, बार बार देखिए कि इसके कौन कौन सा स्किल, कौन कौन सा कंपोनेंट्स दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान है या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि हर कंपोनेंट्स का कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में वो आना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि हाँ आपने सारे कंपोनेंट्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सतीश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। सतीश जी जी सर, आप चुप हो गए। हाँ सतीश जी बताएं। प्रणाम बताइए सर। पूछना चाह रहे थे सर, जो स्क्रीन शेयर का जो ऑप्शन है सर, जो हम लेसन प्लान बनाए हुए हैं, हाँ तो उसको भी कर सकते हैं या लाइव बोर्ड के साथ ही हमको रहना है? आपको लाइव बोर्ड के साथ ही रहना है, क्योंकि जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर आप हमको दिखेंगे नहीं, और हमें हाँ। आपको देखना है। नहीं सर, नीचे में पोस्ट में दिखता है, जैसे आप लोग भी करते थे सर, नीचे पोस्ट में दिखता था, राइट साइड। नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, उसमें एकदम छोटा हो जाता है वो, आप नहीं दिख, आपको फुल हमको देखना है, पूरे स्क्रीन पर में देखना है हमको प्लान नहीं देखना। प्लान आप पहले टीचर से चेक करवा लें, इवेल्युएट करवा लें या सजेशन ले लें और फिर टीचिंग करें। हम टीचिंग आपको ब्लैक बोर्ड के पास देखना चाहते हैं। जैसे आप देखे होंगे जिस दिन ब्लैक बोर्ड स्किल का वर्क हो रहा था, क्लास हो रहा था, सौरभ सर जिस प्रकार से क्लास ले रहे थे उसी प्रकार से आप देखिएगा, कोशिश करिएगा क्लास ले लीजिए।
जी सर, नहीं सर, हम चाह रहे थे कि घर घर पे नेटवर्क उतना अच्छा नहीं रहता है, और हम चाहते हैं कि जब हम दे उस टाइम मेरा प्रॉब्लम ना हो, और किसी का हो तो सॉल्यूशन हो सकता है, बट मेरा प्रॉब्लम से सब वेट ना करें, इसके लिए नहीं 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 वेट करेगा, जहां नेटवर्क जहां अच्छा है वहां जाके पेड़ के, या तो हम थोड़ा सा घर से दूर जाकर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वैसा चाह रहे थे, वहां से स्क्रीन शेयर करते और बाकी बात जो था हम लाइव आप लोगों के साथ रहते, वैसा अगर हो सकता है तो एक बार मेरे लिए, नहीं तो अदरवाइज तो हम घर से तो करेंगे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन दोनों रखेंगे सतीश जी, जहां आपको रहे कि यहां प्रॉब्लम हो रहा है काइंडली आप बताएंगे, क्योंकि हम अभी इस पर में ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, क्योंकि हमको आपको देखना है ब्लैक बोर्ड के नजदीक आपको टीचिंग करते हुए, ठीक है ना जी सर, हम उस चीज को पहले देखना चाहते हैं, और यहाँ पर में यदि कोई दिक्कत होगी फिर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है उस पर में हम लोग काम करेंगे, और आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से हम लोग दूसरा विकल्प की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे विकल्प की तरफ जाएंगे, ऑलरेडी तो प्लान बना हुआ है सर, चार्ट पेपर पे बना दिए, अच्छा, और अब उसको हम सिर्फ स्क्रीन शेयर करेंगे तो फुल स्क्रीन में तो वो आ जाएगा, बट मेरा पोस्ट में रहेगा छोटा सा रहेगा। चलिए हम उस चीज को भी मेंशन कर लेंगे सतीश जी आपसे, आप इस तरह के जितने भी लोग होंगे मेंशन कर लेंगे, दिक्कत होगी ज्यादा तो, वैसे आप कोशिश करिएगा कि हम ब्लैक बोर्ड के नजदीक खड़े होकर के पढ़ाएं टीचिंग करें, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव तभी होगा जी सर। सर हाँ, पंकज, पंकज के सवाल का आंसर देंगे सौरभ सर, पंकज पूछिए अपना सवाल। ये सर पूछ रहे थे, व्हाइट बोर्ड पर जब आप टीचिंग कर रहे थे सर, तो बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा से ले रहे थे, ये कौन सा मैं पंकज बोलिए फिर से अपना क्वेश्चन पूछिए सर। ये आप व्हाइट बोर्ड पर जब टीचिंग कल कर रहे थे ना सर, जी मेरी आवाज आ रही है सर, तो आप ये बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से कर रहे थे? मैं उसके क्या कहते हैं फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा था मैंने उसका सर, फ्रंट कैमरा से सर ये उल्टा नहीं दिखता है बोर्ड, हम लोग को नहीं दिख रहा था, सही दिख रहा था सर, तो हम लोग को लग रहा है कि अगर हम फ्रंट कैमरा से करेंगे, मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया था, हम लोग अच्छा फ्रंट कैमरा पर था एक बार जी, मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया था, आपको बता दे मैंने पीछे एक पॉट रखा हुआ था, एक बॉटल रखी हुई थी पहले, और उसके बाद मैंने उसको यूज कर रहा था कि आप लोगों को मैं चाह रहा था कि ब्लैक बोर्ड इसके लिए प्रॉपर वे में समझ पाए, थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी नेट, थोड़ा सा ब्लूटूथ मेरा प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि आप लोग ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर समझ पाए स्किल्स को, इसलिए मैंने उसको यूज किया, और सभी का जो मोबाइल है फ्रंट कैमरा यूज करेंगे और उसको प्रॉपर वे में कर पाएंगे, आवाज क्लियर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से वो लोग आपको करेंगे, उसको स्टैंड कर लीजिएगा। मेरा काना था, सेल्फी लेते हैं देखते हैं पीछे जो लिखा हुआ रहता है वो थोड़ा अपोजिट आ जाता है लिखा हुआ, ऐसा नहीं दिखता है वो डाउट मुझे भी हो रहा था कि अपोजिट आएगा, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ, हो सकता है सिस्टम में नहीं होगा। पंकज एक बार आप पहले भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप कोशिश करेंगे आपस में ही, तो आप यूज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने मुझे भी लग रहा था कि वो अपोजिट नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए और कोई है जिनको कुछ पूछना है? अर्चना कुमारी कुछ पूछना चाह रही है क्या? अर्चना यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए अर्चना। सर एक बार फॉर्मेट मैथ ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना लेसन प्लान का, क्योंकि मेरे पास नहीं आया फॉर्मेट। अच्छा ठीक है, आपके जो मेथड टीचर है, नहीं तो हम उनसे कह देंगे कि आपके जो फॉर्मेट है जो भी है उसको सेंड कर, मैथ ठीक है आपको सेंड कर दिया जा रहा है। हेलो सर। हाँ पूजा कुमारी, कौन है, राहुल बोल रहे हैं क्या? जी सर राहुल बोल रहे हैं। हाँ राहुल बोलिए सर, हमें जो टीचिंग करना है सर उसमें जुड़ेंगे कौन? आपके जो भी टीचर्स होंगे वो आपको आपके साथ ऐड रहेंगे, आपको बता दिया जाएगा राहुल। जी सर,
सर हम टीचिंग करेंगे सर, तो हम डीएलएड 19-21 के हैं सर, तो हमारे जो हम टीचिंग करेंगे सर, तो हमको देखेंगे कौन? देखेंगे आपको और आपके साथ के और भी जो स्टूडेंट होंगे वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, डीएलएड वाले सर ना या फिर बीएड वाले भी? बिल्कुल सभी स्टूडेंट निस्फिक्र रहे कि जितने भी ग्रुप बनेंगे सारे टीचर्स उनके साथ ऐड रहेंगे और सभी स्टूडेंट का सुपरविजन होता रहेगा। जहां कहीं पे झा सर, कहीं पे मैं खुद हूंगा, मोहित सर या फिर और भी जो टीचर्स है, कृष्णा सर है डीरेड में, और भी जो टीचर्स है, सभी लोग ऑब्जर्वेशन और आपका सुपरविजन करते रहेंगे और आपके साथ के जो भी स्टूडेंट है वो भी आपके साथ ऐड रहेंगे। हेलो सर। हाँ अर्चना बताइए। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बार बार कट जा रहा है सर। आप अर्चना बोल रही है ना? यस सर। अर्चना प्रयास कीजिएगा कि जहाँ नेटवर्क प्रॉपर वे में आपका, वैसे तो नेटवर्क इशू है मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नेटवर्क प्रॉपर वे में जहाँ आपको मिल पाए, थोड़ा सा जहाँ रूम में आपको अच्छे से हो पाए। क्लास करते करते मेरा फोन भी बीच बीच में ऑफ हो जाता है, वो फोन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन सर हमको बोल रहे थे हमको फॉर्मेट सेंड कर दीजिए ना। फॉर्मेट आपको सेंड कर दिया जाएगा, मैंने कहा है आपको फॉर्मेट सेंड कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। और सर मैं अटेंडेंस भी नहीं बन पा रहा है। अटेंडेंस किसमें नहीं बन पाया था? आपका जो अभी माइक्रो टीचिंग हुआ था उसमें अटेंडेंस नहीं बनाई आप समय से? अटेंडेंस बना फिर नहीं बन पाया था, हम कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा। आपको समय से भाई ऐसा कैसे अब हो सकता है? सभी लोगों का जहां प्रॉपर वे में दिया जा रहा है, और जो था यदि आपको समय से लिंक दिया जाता है, पर्याप्त समय रहता है आपको अटेंडेंस देने का, तो ऐसा कैसे हुआ? सर पता नहीं, हम एक बार फिर से कर रहे थे आज तो नहीं हुआ था। चलिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि सभी लोग अपना अटेंडेंस प्रॉपर वे में दे पाए। हेलो, अपने मोबाइल को एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके दोबारा से रिस्टार्ट करें, और यदि उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है तो उसमें उसकी जो चीजें उसको डिलीट कर दीजिएगा। सर हेलो। सर तो अटेंडेंस वाला क्या होगा? अब जो था वो हो चुका है, अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हेलो ठीक है अर्चना, नाम बताइए अपना। थैंक यू सर। हेलो सर। ओके अर्चना, नाम बताइए अपना। हाँ सर मैं नीतू बोल रही हूँ। हेलो। हाँ नीतू, नीतू डीएलएड की बीएड? सर डीएलएड। हाँ बताइए नीतू। सर आज ये बस डिस्कशन क्या सर, मतलब आज कोई क्लासेस वगैरह नहीं है? आज इसी पे डिस्कशन हो रहा है कि क्या प्लानिंग करनी है, क्या आपकी जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो कल से स्टार्ट होने वाला है, जो प्रॉपर आपको टाइम शेड्यूल आपके ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारा शेड्यूल आप सबको दे दिया गया है कि 6 स्किल्स पे आपको अपने लेसन प्लान बनाना है और उनका प्रेजेंटेशन करना है। आज शाम तक आप जो भी लोग है, कल जो इंट्रोडक्शन स्किल या जो भी स्किल्स है उस पर कौन कौन लोग प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो लोग अपना नाम ग्रुप में आज सेंड कर दें। हेलो, आपको नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा, वेट कीजिए। हाँ हेलो, कौन? हेलो सर, बोलिए। हेलो सर, अगर शोभा आप नीतू, एक मिनट बोल नीतू और शोभा अपने आपको म्यूट करें, नीतू और शोभा अपने आपको म्यूट करें, शोभा आप भी। हाँ बोल बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, बोलिए बोल। बुलबुल आपके, बुलबुल आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी ये नोटिस किया था, आप कोशिश कीजिए नेटवर्क जोन में आने सर, बहुत ज्यादा रहता है सर, बाहर भी आते छत पे जाते लेकिन नहीं होता है सर। सर वो डे जो हम इंट्रोडक्शन स्किल पर जो आ रहा है सर, जो हम इंट्रोडक्शन स्किल पर जो प्लान बनाए हुए हैं उस पर टीचिंग करवा सकते हैं ना? हेलो आवाज आ रही है सर?
बिल्कुल 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 सर, जो हम इंट्रोडक्शनल, बिल्कुल आपका आवाज क्लियर आ रहा है, जो इंट्रोडक्शनल स्किल पर जो प्लान बना रहे हैं हम, उस पर हम कल टीचिंग करवा सकते हैं ना सर? सभी लोगों ने जिस जो भी लेसन प्लान जिस स्किल्स पे बनाए हैं उसका प्रेजेंटेशन कल कर सकते हैं, या जो भी आगे की स्किल्स है उस पे वो जो लेसन प्लान बनाए हैं उस पे अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सर प्रत्येक दिन एक मतलब एक एक का ही ना ये स्किल पर टीचिंग करवाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, आपको शेड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है उसको देखिए। चलिए शोभा अपना क्वेश्चन पूछे। शोभा 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 लाइन पे है क्या? शोभा अपना क्वेश्चन पूछे। हेलो पूजा कुमारी अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ शोभा बताइए। सर अगर मतलब कि हम अपना व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे सर, अब मेरे पास व्हाइट बोर्ड का कल व्यवस्था नहीं हो पाएगा सर, तो हम परसों कर सकते हैं टीचर प्लानिंग? नहीं फिर नहीं हो पाएगा, वो जो टाइम शेड्यूल जिसके लिए दिया गया है वो उसी टाइम शेड्यूल पे वो आपको स्किल्स का प्रेजेंटेशन करना है। यस सर, थोड़ा सा मेरा रोल नंबर भी नहीं बन पा रहा है। आप बीएड में डीएड में? सर बीएड में है। अटेंडेंस नहीं बन पाया आपका? नो सर। निधि कुमारी अपने आप को म्यूट करें, और जिसका भी ये 4560055 है अपने आप को म्यूट करें। हेलो सर। हेलो निधि अपने आप को म्यूट करें पहले। आप निधि म्यूट करें अपने आप को। मैं आपसे बाद में अभी बात कर रहा हूँ, मैं शोभा से उनको आंसर दे दूं आपके, उसके बाद करता हूँ। हाँ शोभा ठीक है फिर? यस सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्लास ज्वाइन की है लेकिन अटेंडेंस नहीं बन पाया, जबकि हम सेंड भी कर रहे तो भी नहीं हो रहा था। देखिए देखिए जिस दिन जो क्लास था उस दिन वो अटेंडेंस बनाना था, जिसका बन गया है वो ठीक है, अब जिसका नहीं बन पाया वो अब जो हो गया सो हो गया। यस सर, लेकिन क्लास अलर्ट रहना चाहिए था, एक्टिव रहना चाहिए था इसमें। हेलो सर, मतलब सेंड करते थे ना, जाता ही नहीं था मेरे मोबाइल से। या तो आपके नेटवर्क इशू होगा, इसकी वजह से हो सकता है। चलिए वो बात की बात है, अब नेक्स्ट टाइम से देखते हैं, बात करेंगे इस पे हम लोग। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ये 456055 किसका है बताइए क्वेश्चन? 456055 बोले सर। मैं नीतू बोल रही हूँ। हेलो हेलो नीतू आप? हाँ बोलिए नीतू। सर इन्होंने अभी जो क्या नाम था सरिता जिन्हें जो क्वेश्चन करा अभी कि सर जैसे कल जो इंट्रोडक्शन प्लान पे जो हमें देना है लेक्चर या टीचिंग करना है, तो अगर वो चीज कल मिस हो जाता है तो सर सर नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्लान है उस पे हम तो कर सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन पे नहीं कर सकते हैं? बस अनदर स्किल है जो मैंने एक बार बताया ना अभी कि आपको जिस दिन जिस स्किल्स मैंने अभी बताया तो है कि जिस दिन जिस स्किल को करना है उसी स्किल को आपको उसी दिन करना है, उसके अगले दिन नहीं करना है। हाँ तो सर उसी चलिए ठीक है। गुलनाज अपना क्वेश्चन पूछें। गुलनाज नगमा गुलनाज अपना क्वेश्चन पूछे। गुड आफ्टरनून सर। एक बार में एक ही अनम्यूट हो आप पे अब। हाँ गुलनाज पूछे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुलनाज बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी तक बार बार यही सुन रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि जिसको जिसको जो कल टीचिंग करना चाहते हैं वो अपना नाम और रोल नंबर सेंड कर दें। इसका मतलब है कि और ये भी बोल रहे हैं सर कि एक दिन में एक स्किल कम्प्लीट हो जाएगा, तो जैसे कि अगर कल हम अपना नाम नहीं दे रहे कल के लिए तो कंपलसरी नहीं है मेरे लिए 6 का 6 स्किल पूरा टीचिंग करना? देखिए अभी जैसे आप जितने भी नाम आएंगे उस हिसाब से हम लोग शेड्यूल बनाएंगे उसका, तो हम लोग कोशिश कर लेकिन हम लोग ये चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट है संख्या देखेंगे
कि कितने स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन स्किल पे अपना नाम दे रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग शेड्यूल को मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से शेड्यूल बनाया गया है, एक दिन पे एक स्किल। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए 6 स्किल कंपलसरी है या नहीं टीचिंग करना? बिल्कुल है सर, हम चाहते हैं कि सभी स्किल्स पे सभी स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन दे। यस सर। सर चाहते हैं तो सर मतलब कंपलसरी नहीं है शायद। एक सेकंड, ये आप इतना कंफ्यूजन में क्यों हैं? आप कंफ्यूजन में ना रहें, आपको 6 स्किल पर करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, समझ गए? इसमें दूसरा क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। आप कल यदि इंट्रोडक्शन पर नहीं करते हैं तो अगले दिन नहीं हो पाएगा इंट्रोडक्शन पे, अगले दिन एक्सप्लेनेशन का होगा, फिर अगले दिन स्टिमुलस का होगा, अगले दिन बैकवर्ड का होगा, अगले दिन प्रॉबिंग का होगा, अगले दिन रिइन्फोर्समेंट का होगा। यस सर, मतलब एक दिन में एक ही स्किल होगा। वो तो हम देखना ही चाहते हैं कि कल कौन कौन लोग करना चाहते हैं। अब ये बताइए, यही क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है क्लास कि एक दिन में एक ही शेड्यूल होगा, एक दिन में एक ही स्किल का होगा। ओके सर, जरा समझने की कोशिश, कॉमन सेंस लगाइए। ऑलरेडी शेड्यूल में यदि डाला हुआ है कि 7 तारीख के डेट में इंट्रोडक्शन एंड टीचिंग पे होना है, इंट्रोडक्शन स्किल पे होना है, तो आप समझ लीजिए कि कल प्रस्तावना पर ही होने वाला है, परसों एक्सप्लेनेशन पे होने वाला है, और 6 स्किल 6ों पर करना जरूरी है। आप नहीं करते हैं आपकी मर्जी, आप मत करिए, आप 6 स्किल पर नहीं करेंगे मत करिए। यस सर, तो सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो मत सीखिए। ओके सर, समझने की कोशिश करिए। आपको 6 स्किल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 6 स्किल क्लासेस के लिए मैंडेटरी है, इसके बिना आप टीचिंग कर ही नहीं सकते हैं, इस बात को समझिए। इसीलिए हमने 6 स्किल को रखा है, इसी 6 स्किल पर मैं आपको प्लान बनाना है, अपना टीचिंग करनी है, अपना फीडबैक लेना है। और डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कल जूम ऐप से ही जुड़ेंगे, सारे डीएलएड के पढ़ेगा, बाकी आपके क्लासमेट वही स्टूडेंट के रोल में रहेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन जो है कृष्णा सर के द्वारा होगा। ये एकदम क्लियर कर लीजिए, डीएलएड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑब्जर्वेशन कृष्णा सर के द्वारा ही होगा और बाकी के स्टूडेंट्स के रोल में बाकी आपके क्लासमेट्स रहेंगे, उसमें बीएड के बच्चे इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। बीएड का अलग शेड्यूल बनेगा, डीएलएड का अलग शेड्यूल है, और ये ऑनलाइन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि केवल क्योंकि उसमें 19-21 वाले बच्चे में क्या है कि 50+ जो एडमिशन हुआ है वो ऑलरेडी टीम ऐप में नहीं मेंशन किए हुए हैं, इसलिए उन लोगों को जूम प्लेटफॉर्म पर ही हम लोगों को सारा काम करना है। इसीलिए डीएलएड के बच्चे जूम ऐप से जुड़ेंगे और बीएड के बच्चे चूंकि सब टीम ऐप से जुड़े हुए हैं उनका प्लान अलग है, उनका शेड्यूल अलग है, उनका प्लेटफॉर्म अलग है। ओके सर, और एक 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 आदमी अपने सवालों को नोट कर लीजिए, बार बार बीच में इंटरप्शन जो होता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है। नीतू ने कितना सवाल किया? कम से कम 10 सवाल किया होगा। आप एक जगह सवाल नोट कर लीजिए और एक बार में सारे सवालों को बारी बारी से पूछ डालिए। थोड़ा सा वेट करिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, बहुत सारे लोग हाथ खड़े किए। संतोष प्रसाद कुशवाहा, संतोष आप अपना क्वेश्चन। संतोष प्रसाद, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, कंटिन्यू बोलिए सर। बोल रहे थे कि अजय सर से कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा सर से यानी सर का मोबाइल जो है ना इनकमिंग भी नहीं बताता, थोड़ा सा जानकारी उनसे नहीं ले पाते मेथड पेपर में, तो थोड़ा सा मतलब मैसेज मिल जाता और कॉल थोड़ा सा उठा लेते तो बात हो पाती, तो अच्छी तरह से थोड़ा सा और कुछ हमारा जो प्रॉब्लम था दूर हो जाता। क्या प्रॉब्लम था जरा बताएं, हम हो सकता है कि हमसे भी दूर हो जाए, जरा बताएं। सर जैसे कि मेथड पेपर में मैं कल बना रहा था परसों, तो कुछ मतलब सर को भेजे थे कि देख लीजिए सर थोड़ा सा है क्या ठीक है, थोड़ा सा भेजे थे। हाँ सर, क्या है कि वो रिप्लाई नहीं दिया हमको और हमको मतलब कि समझ में नहीं आया कि ठीक बनाया नहीं बनाया, तो फिर ग्रुप में मैसेज कर दिया तो आप मतलब बता दिए, तो फिर
उसको हम सुधारवा दीजिए, सुधार दीजिए सर। ओके। एक्चुअली क्या है, आपको बता दे संतोष, वो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, एग्जामिनेशन में व्यस्त है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम पीजी और यूजी का चल रहा है। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है आप काइंडली हमको शेयर करिए, हमसे पूछिए, और अपना जो भी प्लान बनाते हैं हमको पर्सनली आप मैसेज कर लीजिए, मैं जरूर उसका फीडबैक दूंगा। ठीक है संतोष जी? ठीक है सर। हाँ, आप एकदम एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों की व्यस्तता है। मैंने जैसा कि सभी लोग आज जैसे देख लीजिए आप, सभी लोगों की व्यस्तता है, सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, और मात्र हम और सौरभ सर जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। तो सवाल यहाँ ये है कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आप अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर करिए, निश्चित रूप से उसका समाधान हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक है स्वीटी कुमारी। स्वीटी आप क्वेश्चन करें। स्वीटी हेलो, प्रणाम सर। बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है, आप बोलिए। बोले सर, हम 28 तारीख को एडमिशन किए सर, 29 से हम क्लास कर रहे हैं सर। ठीक है, तो डीएल 19-21 सत्र ठीक है। और अटेंडेंस भी सर हम नहीं बनाए, और हम पते नहीं चला कैसे बन रहा है। कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करिए, आप जब डीएलएड में जुड़िएगा कल जब आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगा, तो वहां पर मैं आपका अटेंडेंस ऑनलाइन बन जाएगा, आप चिंता ना करिए। आपका लेटेस्ट एडमिशन हुआ है तो आप उसके लिए एकदम चिंता मत करिए। जी सर, यही जानने खाल चाहते थे सर। ओके ओके, ठीक ठीक है। पूजा कुमारी आप अपना सवाल करिए। पूजा हेलो, बताइए। सर 6 स्किल पर टीचिंग करना है, तो क्या 6 स्किल के सब अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं, या एक ही टॉपिक पर सभी स्किल का क्लास लेना है? वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि एक टॉपिक पर करना है या अलग अलग टॉपिक करना है। मेथड लेकिन आपका वही होना चाहिए, आप जिस मेथड के स्टूडेंट हैं आपका मेथड वही होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पूजा का भी हो गया, स्वीटी का भी हो गया, और कोई है? गुलनाज नगमा और सरेना सेन, मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आपका हाथ रेज हुआ है, आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ डालिए। प्रिया विनय आप क्वेश्चन करिए। प्रिया विनय प्रिया, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास, आप थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी में जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर जो कल प्रस्तुतिकरण होगा ना, जो देना है इंट्रोडक्शन स्किल पे जो देना है कल। हाँ, टीचिंग। हाँ, बताइए। तो वो फिर ऑनलाइन किस तरीके से होगा सर? नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं सर। आप किस में हैं? आप बीएड के विद्यार्थी हैं या डीएलएड के हैं? डीएलएड सर। आपको जूम ऐप का लिंक शेयर किया जाएगा आज ही, जिस लिंक से आप सभी लोग जुड़ेंगे, जैसे आप अभी जुड़ते हैं ना, उसी तरह से उस लिंक से आप लोग जुड़िएगा कल, सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं सब लोग जुड़ेंगे जूम ऐप पर, वहीं पर मैं आप लोगों की टीचिंग होनी है। ठीक है ये सर, तो क्या उसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह भी चाहिए सर? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो वहाँ पर क्या पढ़ाना, मतलब क्या करना, क्या सिर्फ बताना है किस तरीके से इंट्रोडक्शन स्किल, या फिर जो मैंने लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में सिर्फ बताना है? आपने जो प्लान बनाया है ना, उसी के प्लान के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करनी है। जी सर, तो मतलब क्या वो वीडियो आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है? ये तो सिर्फ ऑडियो या फिर मतलब विजिबल भी होना चाहिए सर? दोनों, ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए, नॉट ऑडियो केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन
एनीबॉडी? हमारे साथ मोहित सर भी जुड़े हैं, एक आध सवाल आप मोहित सर से भी कर सकते हैं। एक आध सवाल मोहित सर से भी आप ले सकते हैं, अभी अभी मोहित सर जुड़े हैं जस्ट। अटेंडेंस लिंक शेयर किया जा चुका है, सब लोग अटेंडेंस बना लीजिए अपना, और ग्रुप खोल दिए हैं बीएड वाला, बीएड का भी ग्रुप खोला जा चुका है, डीएलएड का भी ऑलरेडी खुल चुका है, सभी लोग उसमें अपना मैसेज डाल सकते हैं। याद रखिए अननेसेसरी मैसेज का आपका कोई फीडबैक नहीं दिया जाएगा, अननेसेसरी मैसेज का कोई फीडबैक नहीं दिया जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल आपको ये मैसेज दिखना है कि कल कितने भी कितने स्टूडेंट, जैसे कोई पर्टिकुलर अपना नाम दे करके चुन्नू कुमार रोल नंबर 15 मेथड इंग्लिश स्किल इंट्रोडक्शन, ये मान लिया जाएगा कि चुन्नू कुमार कल हमारे साथ जुड़ेंगे। तो एक संख्या जब आ जाती है तो हम लोग प्लान कर लेते हैं, इसका ग्रुप को डिवाइड कर देंगे और उसकी नोटिफिकेशन जस्ट हम लोग 5 बजे तक आपको कर देंगे, सारी नोटिफिकेशन 5 बजे तक हो जाएगी आप लोगों की। पंकज अपना सवाल करिए। कर सकते हैं सर एक मिनट? हाँ पंकज आप अपना सवाल करिए। सर वीडियो दिखाना चाह रहे थे, दिखाइए। एक्सक्यूज मी सर, आप अपना वीडियो दिखाइए पंकज। व्हाइट बोर्ड पे सही दिख रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। सब सब सही दिख रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा है, जो आपका लग रहा था कि ये उल्टा होगा, इसमें उल्टा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू। थोड़ा देख लीजिएगा अपना सेटिंग, चूंकि प्रॉपर पूरा ब्लैक बोर्ड आना चाहिए, वो देख लीजिएगा। पंकज जी आपको कैमरा स्टेबल, मोबाइल को एक जगह स्टेबल करना पड़ेगा। हेलो, रखना हुआ एक पास एक जगह ना पंकज? हाँ सर। आपको मोबाइल अपना एक जगह स्टेबल करना पड़ेगा, फोकस इस तरह का बनना चाहिए कि आपका जो बोर्ड है आपका हाँ। बोर्ड दिखता रहे और आप भी दिखे, ठीक है पंकज? ठीक है, मिडिल में रखने का लगता है, रखकर करना होगा ना सर। थैंक यू। यदि किसी के अभी भी कोई डाउट है, यदि वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चुन्नू आपका कोई सवाल? प्रेसिडेंट से थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं। चुन्नू जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है बढ़ी में, आपने कहा था उस दिन। चुन्नू हाँ चुन्नू पता नहीं लगता है आवाज उनकी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं सर। एक बार और अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। सब प्रॉब्लम सिर्फ मनी के साथ ही होता है। एक बार फिर सौरभ सर भेज दीजिए अटेंडेंस। अच्छा भेज भी दिए अटेंडेंस तो फिर भेजा गया है, सौरभ सर ने फिर भेजा है अटेंडेंस। चलिए अपना अटेंडेंस बना लीजिए और हम लोग कल जो है जुड़ते हैं ऑलरेडी ग्रुप में। आप अपना सभी लोग, जैसे मैंने सभी को बताया है, आप अपना कल का अटेंडेंस जो है
कल तो शेयर करेंगे करेंगे हम लोग फिर से अटेंडेंस लिंक, लेकिन फिर भी आप लोग आज हमें ये बता दें कि कौन कौन से लोग कौन कौन से लोग कल टीचिंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग ग्रुप बनाएंगे। ये 3 बजे तक हम लोग को बता दें, क्योंकि हमें रोल नंबर ऐड करना होगा, फिक्स करना पड़ेगा शेड्यूल में, तो 3 बजे तक आप लोग बता देंगे तो सहूलियत हो जाएगी। ये लास्ट अटेंडेंस मैंने भेज दिया है, अब कोई मत कहना कि भाई अटेंडेंस लिंक नहीं आया। हम लोग अब जूम ऐप को यहाँ इंड करने जा रहे हैं, क्लास इंड कर रहे हैं। कल हम लोग जुड़ते हैं, कल की प्लानिंग खास तौर पर लास्ट में बता रहा हूँ, डीएलएड वाले बच्चों के लिए अलग से जूम ऐप का लिंक बनेगा। कल से सब लोग अपना उस ऐप से जुड़िएगा सब लोग, लेकिन बीएड वाले बच्चे जितने भी हैं वो हम लोग टीम ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे। फिलहाल हमें ये संख्या बता दें, अपना अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि हम लोग कल सर करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अपना नाम रोल नंबर आपको मेंशन करना है और अपना मेथड मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हमें सहूलियत हो जाएगी, और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रुप बना करके फिर हम लोग शेड्यूल बना करके आप लोगों को भेजते हैं। किसी तरह का कोई भी डाउट होगा, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, अननेसेसरी मैसेज मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज मोबाइल में आते रहते हैं, सबका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर मैसेज करिएगा, जिसका हम अप्रोप्रिएट जवाब दे सके। सरेना, आपने सब हाथ उठाया अभी जस्ट, सरेना आप सवाल करें। यस सर, जैसे कल इंट्रोडक्शन स्किल है, तो हम लोग को उसमें ब्लैक बोर्ड या जो भी हम लोग यूज करेंगे बोर्ड, उसको यूज करना कंपलसरी है, या फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी ऑनलाइन में कर सकते हैं? नहीं, आप कंपलसरी ब्लैक बोर्ड यूज करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा डेट, आप पहले से लिख करके रखिए ना, क्लास का नाम, डेट का नाम, डेट जो है वो डाल दीजिए, सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए, ये सब लिख करके रखिए। लेकिन हाँ, टॉपिक या सब टॉपिक मत लिखिएगा, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे और लास्ट में स्टेटमेंट देंगे, तब आप वहां पर टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है ना? आरव आर्यन, आरव ने हाथ उठाया अभी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ आरव, बताइए। सर, कब तक ये लेसन प्लान कब तक सबमिट करना है सर? लेसन प्लान जितना जल्दी हो सबमिट करके अपने टीचर्स से जो है फीडबैक ले लीजिए। कल चूंकि उस पर टीचिंग होना है, और कल से तो कंटिन्यूअसली 6 दिन चलेगा टीचिंग, हर स्किल पर में आधारित लेसन प्लान बना करके अपने शिक्षक को भेजिए, वो अपना आपको फीडबैक देंगे। सर, ऑल सब्जेक्ट का? कोई भी सब्जेक्ट से आप बनाइए, नो प्रॉब्लम, डीएलएड में कोई भी सब्जेक्ट से आप बना सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी। ओके सर, थैंक यू सर। अब तो किसी का कोई सवाल नहीं है, लास्ट में पूछ ले रहा हूं। रोहित जी, लिंक को ऑफ करें। रोहित सर जी, सर लिंक को ऑफ कर दीजिए।